चलें आप, आपकी जो बुक है इसके पेज नंबर 3 अगर आप खोलें, सब खोलें बुक का पेज नंबर 3, जो घर पे बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं वो भी पेज नंबर 3 खोलें। यहाँ नीचे लिखी हुई है एक्सरसाइज 1A, क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 3। ये हमने जितना अभी समझा है उसकी मदद से हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है? पूरी एक्सरसाइज नहीं, इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है अब मैं पढ़ रहा हूँ, सब बुक्स अपने सामने रख लें। पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स, यानी इसमें से जो वेल डिफाइंड सेट हैं उनको पिक कर लें, यानी बताएं, चुने कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप घर पे क्या करोगे, इसी तरह ये क्वेश्चन लिख लोगे, ऊपर कॉपी में लिखोगे एक्सरसाइज 1A, ये क्वेश्चन लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 1, ये जो लिखा हुआ है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स, फिर नीचे दिए हुए 1, 2 से लेकर 8 तक ना। तो जिस तरह यहाँ हमने किया था, जो सेट है उसके आगे लिख देना, जो आपके ख्याल में सेट है उसके आगे लिख देना वेल डिफाइंड, और जो सेट नहीं होगा उसके आगे लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है बताएं कौन सा वेल डिफाइंड है। सही है, कौन सा वेल डिफाइंड है? जैसे एक या मैं कर देता हूँ, मेरे पास जगह है नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 आपने पेज पे लिखा एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1 पिक आउट, ये सवाल आपने पूरा लिख लिया, ठीक है? नीचे फिर दिया हुआ 1A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब ज़रा इस पर गौर करें, क्रिकेट हम सबको पता, हम खेलते हैं, क्रिकेट में कैप्टन एक होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, एक ही होता है। तो कह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जितने भी टेस्ट मैचेस के कैप्टन गुजरे हैं उन सब के नाम लिखें। तो क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? नहीं है, है? क्यों नहीं है भाई अहमद रज़ा? नहीं, एक वक्त में एक कैप्टन होता है ना, लेकिन फ़र्ज़ करें 1990 में इमरान खान था, फिर वसीम अकरम आया, फिर वक़ार यूनस बना, सही है, फिर रमीज़ राजा बना, फिर ये अपना अल्लाह आपका भला कर यूनस खान बन गया, फिर अभी कौन था पीछे, अभी जो कोच भी है मिसबाउल हक बना। तो क्लियर है हमें ना, एक वक्त में तो एक ही होगा, लेकिन वो कह रहे सारे, जितने भी सारे थे, तो हमें सारों के नाम हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड, तो इसके इक्वल लिख देंगे वेल डिफाइंड, सही है? या तो इस तरह कॉलम बना लें, या तो इस तरह कॉलम बना लें, एक कॉलम में सेट लिख दें, दूसरे में वेल डिफाइंड है तो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है तो नॉट वेल डिफाइंड, सही है? इस तरह हमने सारे करने में बता रहा हूं। नंबर 2B, टेस्टी फूड आइटम्स, टेस्टी फूड आइटम्स, हाँ भाई अहमद जेब, ये वेल डिफाइंड है? टेस्टी किसको कहते हैं? मज़ेदार को, मज़ेदार खाने की चीज़ें, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? है वेल डिफाइंड। अलवीना, टेस्टी फूड आइटम्स बैठ के बताओ, वेल डिफाइंड है? जवेरिया, है वेल डिफाइंड या नहीं है? हाँ या ना? नहीं है, क्यों नहीं है? टेस्टी फूड एक बंदे, हर बंदे का अलग अलग होता है भाई, अभी मैंने मिसाल दी थी यार, आप कहते हो दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ भिंडी है, क्यों भाई अहमद रज़ा? अहमद साहब कहता है भिंडी तो यार मेरे हल्क से ही नहीं उतरती, तो फ़र्क हो गया ना, ये वेल डिफाइंड नहीं।
मैंने कल यहाँ वर्ड लिखे थे, आप लोगों ने इसका मतलब है घर जाके लेक्चर दोबारा नहीं पढ़ा। फेमस, डिलीशियस, टेस्टी, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हर आदमी के लिए अलग होंगे, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके आगे आप लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, नंबर टू के आगे, सही है। अभी आप सिर्फ टिक कर दिया जाए बुक में, बुक में नंबर वन को टिक कर दें, नंबर वन जो है वर्ल्ड वेल डिफाइंड है, शुरू में टिक कर दें या आखिर में कर दें, ये जो वन है इसको टिक कर दें कि ये वेल डिफाइंड है, टू नहीं है, बस छोड़ दें, कुछ भी ना करें टू को। थ्री को देखें, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, अगेन प्राइम मिनिस्टर्स, वजीर आजम, पाकिस्तान के जितने भी वजीर आजम गुजरे हैं उनके नाम, ये वेल डिफाइंड है। ये तो वन की तरह का हो गया ना, कैप्टन्स की तरह हो गया। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हमें पता उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, नहीं नहीं अल्ताफ हुसैन तो नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी वाले थे ना, राजा परवेज अशरफ था, बिलावल भुट्टो वजीर आजम तो कभी नहीं। बहरहाल हमें पता है एक ही वजीर आजम होता है 5 साल में, और हर 5 साल का अलग अलग है, ये वेल डिफाइंड है, तो इसको भी टिक कर लें, ठीक है। फोर, डी, नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नॉटी किसको कहते हैं, जो बंदर की तरह उछल कूद करता है ना, कभी इस डेस्क पे चढ़ गया, कभी उसको लात मार दी, हैं, शरारती स्टूडेंट, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? Yes. नहीं ना यार, तुम कहोगे नॉटी है, मैं कहूँगा ये तो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, कौन डिसाइड करेगा? एक बंदा कहेगा नॉटी, एक बंदा कहेगा नालायक है। फर्स्ट करें मैथ में उसका दिल नहीं लगता, मैथ में उसके नंबर कम आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका दिल लगता है, इंग्लिश में वो 100 में से 100 लेता है, तो इंग्लिश की टीचर तो कहेगी ये सबसे ज़हीन बच्चा है, मैथ की टीचर कहेगी सबसे नालायक, सबसे शरारती बच्चा यही है। तो फिक्स नहीं है, हर बंदे के लिए नॉटी का जो ख्याल है वो क्या है, अलग अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ई, मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं एक या एक से ज़्यादा, ये वेल डिफाइंड है? ये तो वेल डिफाइंड है ना यार, अभी जैसे एक ही, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक ही टीचर है बस, और अगर कोई दूसरी क्लास को भी पढ़ा रहा होगा तो दो टीचर होंगे या तीन होंगे, लेकिन वेल डिफाइंड है, इसमें कोई शक व शुबा। एक स्कूल में मैथ के अगर 10 भी टीचर हैं तो सबको पता ये मैथ के टीचर हैं, किसी में कोई शुबा नहीं है। तो नंबर 5 भी वेल डिफाइंड है। नंबर 6, सेट एफ, लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर, हाँ भाई वेल डिफाइंड है? नो no. क्यों? जवाब तो सही है नो no. क्यों? क्योंकि कोई कहेगा 1 लाख बड़ा है, कोई कहेगा 1 करोड़ बड़ा है, कोई कहेगा यार मेरे लिए तो 1000 ही बड़ा है, भाई मैंने ज़िंदगी में 1000 का नोट नहीं देखा है, मेरे लिए तो 1000 भी बहुत बड़ा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जी, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, जिस सूबे में आप रहते हैं उसका कैपिटल कौन सा है? कराची, तो ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? है, तो ये हो गया, ये है वेल डिफाइंड। एच, गेम्स यू लाइक प्लेइंग, वो गेम जो आपको पसंद है, आपको, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि फेमस गेम, आपको जो गेम पसंद है ये वेल डिफाइंड है, आपको जो पसंद है, आपको पता होता है ना मुझे कौन सा पसंद है, तो ये वेल डिफाइंड है ना। अगर मैं सिर्फ कह देता फेमस गेम्स, फिर वेल डिफाइंड नहीं होता, सही है, या गेम्स फेमस ही कह सकता हूँ, फेमस गेम, लेकिन अब तो मैंने बता दिया जो आपको, आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो आपके लिए इसका जवाब हो गया क्रिकेट, मुझे अगर बैडमिंटन पसंद है तो मेरे लिए इसका जवाब हो गया बैडमिंटन, सही है। अहमद जेब को अगर फुटबॉल पसंद है तो उसका जवाब हो गया, लेकिन वेल डिफाइंड है, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां रोमन में दिए हुए, ये सारे वेल डिफाइंड हैं, ये सारे क्या हैं? वेल डिफाइंड हैं। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैंने 3 सेट और लिखे, ए ए बी सी डी ई, बी 1 2 3 4 5, एफ रोज लिली लोटस। हम सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, उस सिंबल के नाम होते हैं, जैसे ए है ना, बेसिकली ये भी एक सिंबल है, ए अल्फ़ाबेट इंग्लिश का, ए को आपने एक
शक्ल दे दी, ये शक्ल इसका क्या कहलाता है, सिंबल, ये समझे वन का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है जो ई है, समझे ई की तरह सी करके और बीच में एक लाइन मार दो, इसके तीन मतलब होते हैं, बात एक ही है। पहला होगा बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक रखता है। दूसरा होगा इज अ मेंबर ऑफ, एक मेंबर है। तीसरा है इज एन एलिमेंट ऑफ, एक एलिमेंट है। तीनों की अगर मैं उर्दू में समझाऊं तो इसका मतलब होगा मौजूद है। कोई चीज अगर सेट में मौजूद हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ये सिंबल लगाएंगे, और अगर नहीं है मौजूद इस पर एक लाइन मार देंगे। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट एन। अब मैंने मिसालें दी हैं, गौर से देखें। ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो स्मॉल ए है ये ए में है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू सेट ए, या मैं ये भी लिख सकता हूँ ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, या मैं भी ये लिख सकता हूँ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तीनों एक ही बातें, तीनों जो सिंबल यूज होगा ए बिलोंग्स टू ए या ए इज अ मेंबर, जो भी कहें उर्दू में कहें ए मौजूद है ए में, इस तरह आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर फोर जो है वो बी में मौजूद है, तो फोर बिलोंग्स टू, अब लिख जिस तरह भी लें, फोर बिलोंग्स टू सेट बी, फोर इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, फोर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मैंने बताया ना तीन तरह से लिख सकते हैं इसकी उर्दू, ओ सॉरी इंग्लिश, लेकिन मतलब ये है कि चार जो है वो सेट बी में मौजूद है। रोज जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ, रोज है एफ का एलिमेंट है, तो रोज मौजूद है एफ में। अब देखिए थ्री डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, थ्री जो है वो ए में नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग टू, तो थ्री मौजूद नहीं है ए में। लिली मौजूद नहीं है सेट बी में, लिली तो सेट एफ में, लिली सेट बी में नहीं है। डी इज नॉट एन एलिमेंट, डी एफ में है, डी एफ में नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक और पूछता हूं, थ्री सेट ए में है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, थ्री डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ आ गया? अच्छा, अब जब अगर आपकी ये समझ आ गया तो बुक के पेज नंबर फोर पे इसी तरह आपको दो सेट दिए मैं, पी और क्यू, पेज नंबर फोर पे सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर टू, पी और क्यू दिए मैं, और अगेन बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू लिखना है, बिलोंग्स टू और, जिसे पहला सवाल है टू खाली जगह पी, टू पी में है या नहीं है, है, तो कौन सा सिंबल लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, वो वाला लगेगा, ठीक है। तो ये हमने खुद कर लेना है, ये थ्री और फोर भी आप खुद ट्राई कीजिएगा, सही है। तो मैथ का होमवर्क क्या हो गया, क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज समझे हो गई, क्वेश्चन नंबर वन मैंने पूरा करा दिया, क्वेश्चन नंबर टू समझा दिया कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर भी आप ट्राई कीजिएगा, हो गए वरना मैं समझा दूँगा। आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबी आलमीन।